एबीपीएस न्यूज सच का साथी। मुरादाबाद पुलिस से तंग आकर मुरादाबाद के आशियाना में रहने वाली ये महिला लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंच गई। यहां पर पुलिस ने आत्मदाह करने से पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया। महिला का कहना है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने साठ गांठ करके पूरा मामला दबा दिया, जिसकी वजह से अब उसे लखनऊ में आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। कहाँ से आई हैं? मैं आशियाना से आई हूँ, सत्तर यमुन आशियाना कॉलोनी कानपुर रोड से। फिर से क्यों यहाँ आत्मदाह कर रही? क्या मेरे बेटे की हत्या कर दी गई थी, मुझे आज 14-15 महीने का दिन निकल गया। मैं मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक, मैं वह राजनाथ सिंह तक, मैं हर व्यक्ति को मानव आयोग तक मैंने सब कागज अपने अप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ से मेरी मुझे कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और आज तक मैं दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही। और मुरादाबाद की पुलिस ने जो सुसाइड लेटर दिखाया, उस पर सुरेश का, दीक्षित का, सीमा का, सौरभ सिंह का नाम आया। पुलिस ने वहाँ की किसी से भी पूछताछ नहीं की, ना उनको गिरफ्तार किया। जो उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जो 5.5 लाख रुपए का लेन देन किया है विवेचनाधिकारी रही सत्तर ने और आपके रविंदर सिंह ने, जिसका मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है। जो हत्या की गई है, कब की घटना है ये? सर 2017 की घटना है। साथ 2017 में हमको पुलिस द्वारा मुरादाबाद की मेरे घर पे थाने पे सूचना गई, वहाँ से मेरे परिजन पहुँचे मुरादाबाद। और मुरादाबाद से जो है पुलिस ने अपने मन मुताबिक मेरे पति से अप्लीकेशन, जैसे जैसे वो लोग बोलते गए उस तरह से उन्होंने अप्लीकेशन लिखवा कर, और उसी के आधार पर मेरे बच्चे की 302 लगाने के बजाय उन्होंने 306 लगा कर धाराएं आत्महत्या दिखा दी। जिसका सुसाइड लेटर में नाम है उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए ना, पुलिस को पूछताछ करना चाहिए, लेकिन नहीं पुलिस ने किया। पुलिस ने उससे पूछताछ भी नहीं किया, तो 5.5 लाख रुपया लेकर अपने फरार है पुलिस, वो क्यों उनको पकड़ेगी? एबीपीएस न्यूज सच का साथी।